और मेरे भाई लोग कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है साहिल सिंह, आप देख रहे हैं साहिल सिंह फिटनेस। तो गाइस स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू वीडियो में। सो गाइस इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है वेट लॉस वर्सेस फैट लॉस के ऊपर, और मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा कैसे फैट लॉस और वेट लॉस दोनों बहुत अलग चीज हैं, बस एक कुछ पॉइंट से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Fire's getting all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. So guys, देख लिया आप लोगों ने, मैंने हेडफोन लगा लिया क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा था और ना मेरे पास माइक है, तो कुछ तो करना पड़ता, तो मैंने हेडफोन लगा लिया। तो इस चीज़ से हटते हैं और अपने वीडियो के टॉपिक के तरफ चलते हैं। तो गाइस वीडियो का टॉपिक है फैट लॉस और वेट लॉस। फैट लॉस का मतलब हो गया हम लोग के बॉडी का ओवरऑल फैट परसेंटेज कम होना, वहीं वेट लॉस का मतलब हो गया हम लोग के बॉडी का ओवरऑल चीज़ कम होना, जैसे कि मसल मास, फैट परसेंटेज और वाटर परसेंटेज। तो गाइस अब मैं इस वीडियो में बताऊंगा कुछ पॉइंट जो एक दूसरे से इन दोनों को बहुत अलग करते हैं। सो गाइस जब हम लोग के बॉडी का फैट परसेंट कम होता है या फैट लॉस होता है, हम लोग के बॉडी का फिटनेस लेवल बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, और वहीं वेट लॉस होता है तो ये दोनों चीज़ घटता है, मेटाबॉलिज्म और फिटनेस लेवल। जब हम लोग फैट लॉस करते हैं तो हम लोग को अपने बॉडी में स्ट्रेंथ फील होता है, वहीं जब वेट लॉस होता है तो आपको लेजी फील होता है, आपको वीकनेस होती है, स्ट्रेंथ नाम का कुछ नहीं हम लोग को मिलता है। गाइस फैट लॉस एक अच्छे न्यूट्रिशन से होता है, अच्छे डाइट से होता है, वहीं वेट लॉस एक इम्प्रॉपर डाइट से होता है, मतलब कि खाना ठीक से नहीं खाना, समय पर नहीं खाना, और खाने में हम लोग को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलना। सो ये सब पॉइंट है जो कि इस दोनों को बहुत अलग बनाती हैं। तो गाइस अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है कि फैट लॉस कैसे करें। तो गाइस फैट लॉस के प्रोसेस में तीन चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, कार्डियो, वेट ट्रेनिंग और अपनी अच्छी स्लीप, मतलब एक गुड स्लीप कह सकते हैं। वहीं जब आपका वेट लॉस होता है तब शायद कार्डियो ही पर स्टिक रहते हो, इसलिए आपको उसके रिजल्ट में स्किनी फैट मिलता है। अगर आप उसमें एक अच्छा वेट ट्रेनिंग ऐड कर दो या स्लीप ऐड कर दो तो आपका स्किनी फैट नहीं रहेगा। तो ये सब बात है जो दोनों को बहुत ही अलग बनाती है। सो गाइस इस वीडियो में मुझे बस इतने ज़रूरी पॉइंट्स लगे जो मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए और आपका डाउट क्लियर करना चाहिए कि कैसे ये दोनों अलग हैं, वेट लॉस और फैट लॉस। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों से जिनको कन्फ्यूज़न है कि वेट लॉस और फैट लॉस सेम चीज़ है, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट कर दीजिए आपको नेक्स्ट किस चीज़ पर वीडियो चाहिए। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।